कारी मोहम्मद तैयब कासमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बराह रास्त मिल सके। अब ये कमाई कैसे होती है कि 21 से लेकर 30 तक हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ना फरमाती है, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी 10 रातों में कभी बिस्तर पर पीठ लगाते नहीं देखा, कंड लांदे नहीं देखे। हम भी कभी सो जाती हैं, अगर खुद फरमाती हैं तो हुजूर बड़े प्यार से उठाते, ऐशा देने वाला जाग रहा है, तू लेने वाली सो रही है। ये आखिरी 10 दिन तो कमाई के हैं, भला जब सीजन आ जाए तो दुकानदार ताजर बंदा सीजन में भी कभी सोता है? उसको पता है ये सीजन के दिन है। फरमाए ये सीजन के दिन है, वो देने वाला जागता है, लेने वाले सो। उठ, और फरमाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को कस लेते। आपने सारी जिंदगी धोती बांधी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ना शलवार ना पजामा कभी इस्तेमाल नहीं किया, धोती बांधी। आप और मैं जो यहां धोती बांधते हैं वो खुली धोती होती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडिया में चले जाएं तो वो बंद धोती होती, उनको आदत है, वो बंद धोती को भी ऐसे बांधते हैं कि खुलती नहीं। साड़ी तो खुली हो भी खुल जाती है हवा चले तक, वो तो ऐसे बांधते हैं खुलती नहीं। लेकिन उनमें से भी जो सियाने लोग हैं वो उस धोती के ऊपर बेल्ट बांध लेते हैं, पट्टा बांध लेते हैं, जब सफर पर निकलते हैं ये खुले ना, मैनू फिर कसना ना पै जाए। अम्मा फरमाती हैं जब आखिरी 10 दिन आते तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी धोती के ऊपर बेल्ट बांध लेते। बेल्ट क्या होता, कपड़ा होता था कि कपड़े से इसको कस लेते कि मैं ये भी टाइम जाया ना करूं, ये टाइम भी मेरा अल्लाह अल्लाह में गुजर जाए कि धोती को कसने में मेरा वक्त जाया हो जाए। मेरे दोस्तों आखिरी बात, वक्त काफी हो गया, ये कमाई के दिन, सीजन के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सोए, आप और मैं कब्रों में जाके सोते रहेंगे इंशाल्लाह, बहुत सो लिया आगे भी सोते रहेंगे, लेकिन ये कमाई का दिन है, मौसम है, इसको कमाना है। घर वालों को भी जिस तरह नबी पाक जगाते आप भी जगाओ, कहो कमाई के दिन, लूट लो अल्लाह के खजाने। एक हदीस में फरमाया गया कि बाकी 11 महीने लोग अल्लाह की रहमत को ढूंढते हैं, इस महीने में अल्लाह की रहमत अल्लाह के बंदों को ढूंढते हैं। फरमाया बाकी 11 महीने में बारिश कतरों की सूरत में बरसती है, इस महीने में रहमत तूफान बनकर बरसती है। बाकी 11 महीने पहले आसमान पर आकर अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के बंदों को आवाज देते हैं, अल्लाह से ले लो। ये जब महीना आता है तो अल्लाह खुद अपने बंदों को आवाज़ देता है, कोई है मुझसे लेने वाला, आके मुझसे ले। अब अल्लाह आवाज़ दे रहा हो और हम सो रहे हों, इनको कीमती बनाइए। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाह।